भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पंडित खेमीराम शर्मा ने अब अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बंजार विधानसभा के सैंज पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं सैंज में कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकालकर उनका स्वागत किया। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पंडित खेमीराम कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सैंज पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को मजबूत करने के टिप्स दिए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व वन मंत्री पंडित खेमीराम कांग्रेस में शामिल होने के बाद सैंज में प्रदेश भाजपा सरकार पर बरसे, वहीं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग रणनीति बनाई। खेमीराम शर्मा ने कहा कि बंजार क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मेरी ताकत है तथा आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बंजार में कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी। खेमीराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी अनेक नाकामियां भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आज मैं बैठक नहीं ले रहा हूँ, बैठक कार्यकर्ता नेता है यहाँ, ये ले रहे हैं। मेरा था मान सम्मान किया, अपना जो प्यार दिया है इन्होंने, मैं आज सैंज घाटी में आया और सैंज घाटी से मेरा भावना तो रिश्ता बहुत पहले से, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा तो सैंज ही जाऊँगा। शुरुआत मैंने यहाँ से कर ली और बाकी तो सब कुछ इंतजाम इन्होंने किया, हर चीज़ इन्होंने की और मैं तो सिर्फ यहाँ उनके दर्शन करने आया और आदेश मान को प्यार दिया, इसके लिए निकलना बहुत। देश में आप भाजपा में पहले टॉप लीडरशिप पे रहे हैं, पहली बैठक यहाँ पर हो रही है, आपको क्या फर्क लगता है भाजपा और कांग्रेस? बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का कर्मठ है, ईमानदार है और ऐसा कार्यकर्ता तो मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो सच में दिल से मतलब इतनी खुशी हुई आज कि एक एक कार्यकर्ता जो है वो जबरदस्त है, ऐसे कार्यकर्ता मिले किसी पार्टी में है ही नहीं।